जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा 12 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को कोरोना महामारी से सुरक्षित करने अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अब बड़ी सफलता मिलती नजर आ रही है। कोरोना महामारी से बचने हेतु अब 12 से 14 वर्ष आयु के बच्चों का टीकाकरण प्रारंभ किया गया है। शुरुआती दौर में यह टीकाकरण केवल प्राइमरी हेल्थ सेंटरों में किया जा रहा था, जहां तक बच्चे पहुंच नहीं पा रहे थे और यह अभियान असफल नजर आ रहा था। परंतु अब एक बार पुनः शासन प्रशासन द्वारा शासकीय स्कूलों में टीकाकरण की व्यवस्था कराई गई है, जो अब काफ़ी सफल नजर आ रही है, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है और बच्चे स्कूल के बाद कहीं और जाना पसंद नहीं करते, सिवाय खेलने के। अब 12 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता भी इस अभियान में जागरूकतापूर्वक हिस्सा लेकर अपने बच्चों को टीकाकरण की सहमति प्रदान कर रहे हैं और दुर्ग जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर नगर पालिक निगम भिलाई की टीम भी अपना योगदान बखूबी दे रही है। शनिवार को कृष्णानगर सुपेला स्थित शासकीय शाला में कोरोना महामारी से बचाव के लिए सेंटर लगाया गया, जिसमें स्कूल के वह बच्चे जो 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच आते हैं, उनका टीकाकरण पूर्ण कराया गया। इसकी जानकारी टीकाकरण केंद्र की हेड अनीता सिंह ने न्यूज टीम को दी। तो वहीं स्कूल की एक शिक्षिका ने भी शासन प्रशासन का धन्यवाद किया कि इस तरह के कैंप लगाए जाने से बच्चों को सुविधा प्राप्त हो रही है। जी, जैसे 15 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो पेरेंट्स भी काफ़ी जागरूक थे, लेकिन जब से 12 साल का हुआ गवर्नमेंट ने कहा था कि पीएससी में रहेगा सेंटर, लेकिन पेरेंट्स जागरूक ही नहीं थे, बच्चे बहुत कम आ रहे थे, कहीं कहीं शीशियाँ नहीं खुल रही थी। तो अब गवर्नमेंट की तरफ से आदेश आया है कि सभी स्कूलों में सेंटर दिया जाए और शुरू हो रहा है, तो देखिए काफ़ी अच्छा बच्चे आ रहे हैं। और अभी हमारा गवर्नमेंट स्कूल कृष्णानगर में हमारा सेंटर है, काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, मतलब स्कूलों में देने पर अच्छा ध्यान देते हैं। बच्चों को कौन सा दवाई लगाया जा रहा है, कौन सी वैक्सीन? जी, 12 से 14 साल के बच्चों को कोर्बेवैक्स लगाया जा रहा है सर, और ये सभी बच्चों के लिए है, तो बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा सारे बच्चों को वैक्सीन लग जाए, इसी के ध्येय से स्कूलों में दिया जा रहा है। जिस प्रकार कोविशील्ड और कोवैक्सीन के दूसरी डोज भी लगाई गई है, तो क्या बच्चों को भी दूसरी डोज लगेगी? हाँ बिल्कुल, 28 दिन बाद दूसरी डोज लगेगी और 10 तारीख से 18 प्लस वालों का बूस्टर डोज भी शुरू हो गया है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन कराएं ताकि बिल्कुल कोरोना से खतरा खत्म हो जाए। मेरा नाम सिंथिया मसीह है, मैं कृष्णानगर में मेरी की पोस्ट पे हूँ। बताएंगे मैडम, क्या कहना चाहेंगे आज बच्चों को स्कूल में अब वैक्सीनेशन हो रही है? सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं जिला स्वास्थ्य विभाग को कि जिन्होंने 6 से 14 बार के बच्चों के लिए अपनाया है कि वैक्सीनेशन उनको भी लगाया जाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज पहला वैक्सीनेशन सेंटर आपके स्कूल में है? वैक्सीनेशन सेंटर हमारे स्कूल को बनाए थे, जिसके लिए काफ़ी बच्चे वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं और उनके माता पिता ने सहमति पत्र भेजा। वर्तमान के समय में कोरोना महामारी का कहर काफ़ी कम हो गया है, शायद यही वजह है कि अब लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक नहीं देखा जा रहा है। परंतु जब टीकाकरण टीम स्वयं उनके घर तक पहुंच जाती है तो उन्हें टीकाकरण कराने में भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। शासन प्रशासन द्वारा ऐसे ही नियम बनाकर 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, जिससे शहर जिला प्रदेश सहित पूरा देश कोरोना वायरस की चपेट में आने से बच सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।